आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। Study with Hamsaraj। प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? यशवंतराव चव्हाण, स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम। उत्तर, जगजीवन राम। प्रश्न, बल युग्म का उदाहरण है नल खोलना, ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाना। उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। प्रश्न, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? 30 मई 2019, 2 जून 2019, 31 मई 2019, 1 जून 2019। उत्तर, 30 मई 2019। प्रश्न, चुंबकशीलता का सी मात्रक क्या है? हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला मीटर एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। प्रश्न, बिहू का एक लोक नृत्य है असम, बिहार, तमिलनाडु, केरल। उत्तर, असम। प्रश्न, रेखांश को भारतीय मानक समय आईएसटी के रूप में माना जाता है 82 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पश्चिम, 81 डिग्री 3 पूर्व। अस्सी डिग्री 30 उत्तर। उत्तर, 82 डिग्री 30 पूर्व। प्रश्न, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कलारूपों में से कौन सा कलारूप शामिल है? चक्यार कुठू, तिरुवातिर काली, थेयम, कुटियाट्टम। उत्तर, कुटियाट्टम। प्रश्न, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 इंच की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य होगा 0, 120, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, 0। प्रश्न, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक EBRD के भारत में जन्मे अध्यक्ष का नाम क्या है? यूके में स्थित इस बैंक ने हाल ही में भारत को बैंक का सदस्य देश बनने को मंजूरी दे दी है। अंशु जय, राणा तलवार, सुमा चक्रवर्ती, विक्रम पंडित। उत्तर, सुमा चक्रवर्ती। प्रश्न, 5वें यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, आशा भोसले। उत्तर, आशा भोसले। प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? रमाबाई शिंदे, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, हरिदास ठाकुर। उत्तर, ज्योतिराव फुले। प्रश्न, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? एलन एम तेज। प्रश्न, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? एलन एम तेज। मैथ्यू ग्रे,
डेविड फिलो, मार्टिजन कोस्टर, उत्तर एलन एमतेज, प्रश्न सोनोली बॉर्डर भारत और के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, उत्तर नेपाल। प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर रचना विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी, कवक विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, उत्तर शरीर रचना विज्ञान। प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, उत्तर संपत्ति का अधिकार। प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे, खिलजी, मामलुक, मुगल। लोदी, उत्तर मामलुक। प्रश्न, कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, इनमें कोई नहीं, उत्तर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था, रमाबाई शिंदे, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, हरिदास ठाकुर, उत्तर ज्योतिराव फुले। प्रश्न, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था, एलन एमतेज, मैथ्यू ग्रे, डेविड फिलो, मार्टिजन कोस्टर, उत्तर एलन एमतेज। प्रश्न, सोनोली बॉर्डर भारत और के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, उत्तर नेपाल। प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, कवक विज्ञान। प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ शुम्पीटर, उत्तर जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट प्रश्न, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, यकृत, लार ग्रंथि, फेफड़ा, अग्न्याशय, उत्तर अग्न्याशय। प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा, उत्तर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मान एम और त्रिज्या आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के आनुपातिक होता है, एमआर,
m/2/r m/r उत्तर है m/2r कृष्णा बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध रेखीय गति शुद्ध घूर्णन गति रेखीय एवं घूर्णन गति कोई गति नहीं उत्तर है शुद्ध घूर्णन गति प्रश्न समूह कहाँ है बंगाल की खाड़ी अरब सागर जाफना समुद्र अरब सागर प्रश्न निम्न में से कौन सी जनजाति जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की निवासी है संथाल गोंग भी गुज्जर उत्तर गुज्जर प्रश्न निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत भावनगर उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। स्टडी विद हंसराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।